मुझे बच्ची को चंद्र मंत्री लेप हो जा रही है और विधर्मी अपने अपने धर्मखंड में जाकर सेवा करेंगे। सारी दुनिया की शूटिंग कहाँ होगी? सारी दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच के 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं और उनका एक है डायरेक्टर जो सदैव पर्दे के पीछे रहता है। कोई एक्टर्स डायरेक्टर के बहुत नजदीक महसूस करते हैं। सारे ही डायरेक्शंस को फॉलो कर लेते हैं। कोई दूर महसूस करते हैं और पूरे डायरेक्शंस को कैच नहीं कर पाते हैं। जो पूरा पूरा कैच करने वाले ग्रुप है वो सूर्यवंशी ग्रुप कहा जाता है। उसमें भी कंट्रोलर वर्ग भी है और कंट्रोल्ड होने वाले भी हैं। कंट्रोलर माने राजा और कंट्रोल्ड होने वाले प्रजा वर्ग नंबर वार। जैसे सूर्यवंश में होते हैं वैसे ही हर वर्ग में हर धर्म खंड में हर धर्म में होते हैं। सूर्यवंश के बाद दूसरा नंबर आता है चंद्रवंश का। वो चंद्रमा सोलह कला संपूर्ण भी बनता है और कलाहीन भी बनता है। उसके फॉलोअर्स भी सोलह कला संपूर्ण बनते हैं और कलाहीन भी बनते हैं। परंतु चंद्रवंशियों में सारे ही चंद्रवंशी कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं या कोई विशेष ग्रुप है जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बनता है? है कौन सा ग्रुप? अपने भारतीय परिवार में खास करके ब्राह्मणों में कन्या की शादी होती है तो वर की तलाश ऊंचे कुल में की जाती है। मान लो कन्या का पक्ष चंद्रवंश है और वर पक्ष सूर्यवंश है तो कन्या के परिवार के जो भी भांति हैं वो सारे ही कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं या सिर्फ कन्या और कन्या के साथ जाने वाले दास दासियों का ग्रुप ही
सूर्य को फॉलो करने के लिए निमित्त बनता है, है? कन्या पवित्र है, पवित्रता की पावर से वो अपने को मोल्ड कर देती है। बाकी ऐसे नहीं कन्या पक्ष का सारा परिवार कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी भी थे और उस ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाले चंद्रमा और चंद्रवंशी भी थे। चंद्रमा की गोद में पलने वाले नौ प्रकार के ब्राह्मण थे। जिन्होंने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से परवरिश ली, वरदान लिए, नंबरवार उस गोद में सुख भोगा, परंतु रिटर्न देने वाले एक जैसे थे या नंबरवार थे? नंबरवार ही होंगे। तो ब्रह्मा की गोद में पलने वाला जो श्रेष्ठ वर्ग है, वो सूर्यवंश तो नहीं था, या नहीं था, है? यज्ञ के आदि में, है? था सूर्यवंशी थे ब्रह्मा की गोद में पलने वाले? नहीं थे। वो तो पालना देने वालों का ग्रुप है, जन्म देने वालों का ग्रुप है, रचयिता का ग्रुप है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों का ग्रुप है। यज्ञ के आदि में बुद्धि का भोजन पूरा न मिलने के कारण वो मायावी परीक्षाओं में फेल हो गए। माता में तो भावना रहती है, बुद्धि का मादा उतना नहीं होता है, तो भी भावना के आधार पर डटी रहती है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो ब्रह्मा की गोद में अव्वल नंबर पालना लेने वाले बच्चे थे, वो कौन से ग्रुप के थे? चंद्रवंशी ग्रुप के ही होंगे। जो पालना का रिटर्न भी पूरा देने वाले आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार, किसी परिवार में कन्या हो और वो कन्या माँ बाप की इच्छा को महत्व दिए बगैर, पूछे बगैर अपना जीवन साथी अपने आप चुन ले, तो वो भारतीय कही जाएगी या विदेशी परंपरा से प्रभावित होने वाली कही जाएगी? विदेशी हो गई।
ऐसी वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार ग्रुप है ब्रह्मा की गोद में पलने वाला। जो ग्रुप आज भी ब्रह्मा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार ग्रुप है। बहुत थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे, बहुत थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्माएं हैं जिनसे विजय माला तैयार होती है। और वो विजय माला प्योरिटी के आधार पर, पवित्र संस्कारों के आधार पर, पवित्र कर्मणा के आधार पर, पवित्र दृष्टि के आधार पर इतनी पावरफुल है कि जब तक वो सहयोगी न बने तब तक भगवान ही क्यों नहीं सृष्टि पर उतरा हुआ हो। और सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा हो, क्योंकि भगवान आते हैं तो पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं और वो सूर्य भी नई दुनिया तैयार नहीं कर सकता। चंद्रमा तो उपग्रह है जो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सभी ग्रहों के बीच में जिसकी दूरी सूर्य से संतुलित दूरी पर है। इतना संतुलन है कि पृथ्वी पर ही जीव जंतु पनप सकते हैं, पृथ्वी के खास हिस्से पर, और दूसरे ग्रह उपग्रहों पर कोई भी जीव जंतु नहीं पनप सकते, पनपना ही नहीं हो सकता। और पृथ्वी पर भी एक खंड ऐसा है अविनाशी जो सब धर्म खंड लोप हो जाते हैं, समुद्र के गर्त में समा जाते हैं, परंतु वो खंड नहीं समाता, समुद्र के गर्त में लोप नहीं होता, जिसे भारत माता कहा जाता है। कौन सी माता? भारत। भा कहते हैं रोशनी को। अब वो रोशनी चाहे पवित्रता की हो और चाहे वो रोशनी ज्ञान की हो, हम भली भांति जानते हैं कन्याएं हो चाहे कुमार हो, अगर उनके जीवन में पवित्रता है तो पवित्रता का वो मुखमंडल, वो आभा चेहरे से दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? है? देखने में आती है, वो प्योरिटी आकर्षण करती है। पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी आकर्षण करती है, कुमारों को ही नहीं बूढ़ों को भी आकर्षित करती है।
मनसा में संबंध भले कोई प्रकार का बने, तो प्योरिटी भी एक प्रकार की आभा है, रोशनी है, और वो रोशनी की चमक आंखों से दिखाई देती है। रूहानियत की चमक है, इसलिए उस रोशनी की प्रतिनिधित्व करने वाली जो आत्मा है वो चंद्रवंश में राधा कही गई है। कृष्ण के साथ सदा रहने वाली 8 पटरानियां हैं, जो बाबा ने बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं जान पाते, और जो सखा साथ नहीं रही है कब कब का क्षण मात्र का साथ हुआ है, उसमें इतनी प्योरिटी होती है कि 8 पटरानियां तो पटरानियां कही जाती हैं। आखिरी माया का परीक्षा का टाइम होता है तो पट में जाके गिरती है, और वो राधा महारानी कही जाती है। कृष्ण के अंतर में ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाया है, कृष्ण के अंतर में जो स्थान सर्वोपरि सदा काल के लिए राधा का है वो 8 पटरानियों का भी कभी नहीं हो पाता है। तो वो पृथ्वी का एक हिस्सा भारतवर्ष है, जो भारत माता कहा जाता है। सारी पृथ्वी उसका चैतन्य रूप जगदम्बा है, परंतु वो सारे जगत की अम्बा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसकी गोद में पलते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में हर धर्म की आत्माओं ने पालना ली, परंतु उनमें से 90% कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। रूप बदलने वाली आत्माएं हैं, उनको सर्वथा आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ईमानदार नहीं कह सकते। उनको पालना देने के कारण ब्रह्मा के लिए कहा जाता है ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। नहीं तो माँ का गौरव बहुत ऊंचा होना चाहिए, लेकिन संघ के रंग में आने के कारण माँ अपनी सारी शक्ति खो बैठती है। आज भी माताओं का यही हाल है, बच्चे के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है। भारतीय परंपरा में तो अब तक भी माता को कोई वर्षा नहीं मिलता था परिवार में। अभी भगवान बाप जब से आए हैं तो माताओं का मर्तबा बढ़ा है।
साथ साथ कन्याओं का भी मर्तबा बड़ा है, और बाप की दृष्टि में तो दोनों ही एक जैसे हैं। कन्याओं को माता बना देते हैं, माताओं को कन्या बना देते हैं। तो जो चंद्रवंशी ग्रुप है वो विनाश के काल तक भी कुछ अंश की आत्माएं अक्षुण्ण रहती हैं सूर्यवंशियों की तरह। सवा 2 लाख सूर्यवंशी हैं तो 2.25 लाख उनको साथ देने वाले एड़ी चोटी की ताकत लगा करके सहयोग करने वाले चंद्रवंशी भी हैं। और यही सृष्टि पर नई दुनिया में बरकरार रहते हैं, बाकी तो खुद नीचे गिरते हैं और सारी दुनिया को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। आपका प्रश्न का समाधान हो गया? हाँ, माने राम वाली आत्मा को राम वाली आत्मा को या श्रवण कुमार को कोई तीर नहीं मार सकता। ऐसा तीर लगे जो खेल खलास हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। श्रवण कुमार जो नाम दिया गया है, जिसकी जनश्रुति, जिसकी संसार में श्रुतियां बहुत हैं, अनेक प्रकार से गायन है, ज्ञान के जो अंधे हैं, ऐसे माता पिता को कंधे पर धारण किया, माना जिम्मेवारी उनकी धारण कर ली। जैसे यज्ञोपवीत है, सर में नहीं बांधते हैं, हाथ में नहीं बांधते हैं, कहाँ धरते हैं? कंधे पर धारण करते हैं। कंधे पर धारण करने का मतलब ही है उनकी सारी जिम्मेवारी का बोझ अपने ऊपर उठा लेना। ब्रह्मा सरस्वती कहो या कृष्ण की आत्मा कहो, उनकी जिम्मेवारी क्या थी? अपने जीवन में उन्होंने कौन सी जिम्मेवारी उठाई हुई थी? जिस जिम्मेवारी का निर्वहन वो नहीं कर सके,
हैं? भले ब्रह्मा के तन में ज्ञान सूर्य शिव आकर के ज्ञान दे रहा था, परंतु उस ज्ञान की गहराइयों को नहीं पहचान सके। अज्ञान के अंधे ही रह गए। उस शरीर के पुरुषार्थ के साथ नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य धारण नहीं कर सके। उस लक्ष्य को, उस जिम्मेवारी को किस ब्रह्मा कुमार ने धारण किया? कोई उनका अब्बल नंबर का ब्रह्मा कुमार था जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को फॉलो करने वाला था? कौन हुआ है? राम वाली आत्मा। और वो राम वाली आत्मा जो राम बनती है वो अंत में रावण बनती है या नहीं बनती है? है? रावण फेल होता है या पास होता है? है? जरूर फेल होता है। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ था? राम फेल हुआ था। आदि में फेल होता है तो अंत में भी कोई न कोई तरीके से ये दिखाया जाना चाहिए कि फेल हुआ या पास हुआ। पास हुआ। स्थापना के कार्य में फेल हुआ या विनाश के कार्य में फेल हुआ है? परिवार में सबकी बुद्धि को स्थिर करने की निमित्त माँ बनती है या बाप बनता है? माँ स्थापना के निमित्त बनती है, बाप सबकी बुद्धि को थमाने के निमित्त नहीं बनता। ऐसे ही ये दो आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। कृष्ण वाली आत्मा जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक राम वाली आत्मा भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो स्थापना का निमित्त कौन सी आत्मा हुई है? ब्रह्मा वाली आत्मा। स्थापना करना, कंस्ट्रक्शन करना और विनाश करना माने डिस्ट्रक्शन करना, इन दोनों ही बातों में ज्यादा कल्याणकारी बात कौन सी है? है? स्थापना। उस स्थापना के हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा आदि में भी फेल हुई और अंत में भी फेल कही जाती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। उस आत्मा का ये पार्ट है कि जो कार्य दुनिया में कोई भी नहीं कर सका उस कार्य को संपन्न करने के वो निमित्त बनती है। अपने अपने धर्म की स्थापना तो सभी धर्म पिताओं ने की, निमित्त बने, लेकिन पुरानेपन का विनाश करने का कार्य कोई ने भी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए पुराने पुराने जो गद्दी नशीन होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनका मुकाबला करना पड़े कि नहीं करना पड़े? है?
करना पड़ेगा। और उस बाप से सभी डरते, राम वाली आत्मा से तो जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं, 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं कि विधर्मियों से टक्कर लेती रही। उस टक्कर लेने के काम में स्वार्थ का काम, स्वार्थ का जो सुख है वो मिले या न मिले, इसलिए सारे ड्रामा में अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का वो लक्ष्य सुख भोगना है या शांति भोगना है या अशांति भोगना है? है, कोई नहीं जानता क्या चाहता कि हम हमेशा के लिए शांत हो जाएं। हमारी आत्मा लीन हो जाए, हमारा अस्तित्व खलास हो जाए। सब कोई यही चाहता है, हमारा जीवन भी रहे और जीवन रहते रहते हमें सुख मिले, दुख ना मिले। उस हिसाब से राम वाली आत्मा ज्यादा प्राप्ति करती है या कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा प्राप्ति करती है? राम वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है, है? कभी कुछ कभी कुछ। पक्की पक्की एक बात बताओ, है सारे ही सृष्टि रूपी रंगमंच में अगर देखा जाए तो कृष्ण वाली आत्मा जन्म जन्मांतर का सुख भोगती है, राम वाली आत्मा उतना सुख नहीं भोगती। सिर्फ अंतिम जन्म के लिए और 63 जन्मों में भी ये कहेंगे कि मन की शांति भोगती है। युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धाएं होते हैं वो युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर त्याग देते हैं, उनके बीवी बाल बच्चे और परिवार सब का पतन हो जाता है, फिर वो स्थूल सुख शांति भोगने के निमित्त बनते हैं या सिर्फ मनसा की शांति भोगते हैं? है, जो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते, मनसा का सुख भोगते हैं, प्रैक्टिकल जीवन का कोई सुख उनको न उनको मिलता है न उनके परिवारजनों को मिलता है। तो दो प्रकार का सुख है, एक तो सुख है आत्मा को शरीर के साथ जन्म जन्मांतर का सुख मिले, और एक सुख वो है जो मनसा की तृप्ति मिलती है। संगम युग में भी चैन की बंसी बजाते हुए जिम्मेवारी का ताज ब्रह्मा की सोल धारण करती है या राम वाली आत्मा धारण करती है? ब्रह्मा वाली आत्मा ने चैन की बंसी बजाते हुए ब्राह्मण जीवन का जो जिम्मेवारी का पार्ट है वो बजाया। क्या राम वाली आत्मा भी उसी तरह करती है? नहीं, सारा ही ब्राह्मण जीवन संघर्षमय स्थिति में जाता है, लेकिन मन को सुख में रखती है या दुख में रखती है? मन सुख में रहता है। इसलिए कोई भी बात को सोचने के लिए अनेक तरीके होते हैं,
जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा वो उतने ही ऊंचाई से गहराई से बात को पकड़ेगा। बुद्धिहीन होगा तो देह अभिमान के आधार पर ऊपर ऊपर की बातों को पकड़ेगा। तो जो तीर लगा जल भरते भरते वो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी दिखाया है कि कृष्ण ने महाभारी महाभारत युद्ध कराया, सोलह हजार गोप गोपियों के साथ जो ऐसा पार्ट है जो दुनिया में कोई भी नहीं बजा सका, बिन फेरे हम तेरे वो भी बजाया। फिर जब अंत हुआ तब कैसा था माहौल, कैसा माहौल था? कोई भी उनके सहयोग के लिए सहायता के लिए सामने नहीं था। तीर लगा और प्राण तखेरु उड़ गए। ये बिल्कुल अंत समय की बात है। चलो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, उसमें साथ देने वाली नंबरवार है। अच्छा चलो आठ ही है, तब जब सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर सूक्ष्म वतन में जाकर इकट्ठी होंगी, तो अकेला कौन रह जाएगा? है कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन है? अरे सारी दुनिया जिसके फेवर में हो जाती है अंत में, सारी दुनिया का परिवार उसका कुटुंब बन जाता है, सब उस बाप को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी मनुष्य सृष्टि का ये बाप है, पूर्वजों का भी पूर्वज है। लेकिन अंत में क्या हाल होता है, है? कवियों ने कविताएं लिखी हैं भाव विभोर हो करके यज्ञ के आज के समय की और अंत के समय की। वो बात हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। हिमगिर कहते हैं हिमालय पहाड़, उत्तुंग शिखर पर माने ऊंची चोटी पर बैठ करके पहाड़ पर कोई शिला आगे बढ़ जाती है, उस शिला की शीतल छाह में बैठ करके क्या देख रहा था? कोई नहीं बचा, सारी दुनिया में जल ही जल था और जल का तीव्र वेग बह रहा था। आंखों में से आंसू आ रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी था कि सारी दुनिया सहयोगी बनने के लिए तैयार थी। विश्व का बादशाह माना जाता था,
और अंत समय में अकेला रह गया। तो माया का तीर लगा या नहीं लगा? लग गया। थोड़ा भी अगर दुख आया ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया के अंदर, 100 वर्ष के संगम युग के बीच, तो मौजों का युग कहेंगे। यह दुख का बीजारोपण हो गया, दुख का बीजारोपण हो गया। और बाप बच्चे के बिगर सुख की दुनिया में नहीं जा सकता। बच्चा घर के अंदर आग में सुलगता रहे और बाप छोड़ करके सुख के संसार की ओर कदम बढ़ा ले, ये हो सकता है? विश्व का बाप उसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए बच्चा पहले और बाप बाद में, इसलिए पत्नी भी पहले नहीं। क्या शंकर का चित्र दिखाते हैं, पत्नी पार्वती गोद में है, वो ही उनकी कुर्सी है, सीट है। गणेश भी गोद में है, कार्तिकेय को भी गोद मिलेगी, लेकिन चंद्रमा मस्तक पर है। बल अज्ञानता के कारण चंद्रमा में कितने भी धब्बे दिखाई जाते हैं। चंद्रमा अधूरा ही है, सोलह कला संपूर्ण नहीं है, फिर भी बुद्धि में है कि नई दुनिया में इसको जन्म देने वाला नई सृष्टि के पहले पत्ते का बाप कौन बनेगा? है वो ही आत्मा बनेगी। तो बाप की ये जिम्मेवारी है कि बच्चा बुद्धि, जो बच्चा है उसकी बुद्धि में अगर बात नहीं बैठती है तो भी बाप की बच्चे के ऊपर उम्मीद रहती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है तो प्रजापिता को ज्यादा पसंद करता है या ब्रह्मा को ज्यादा पसंद करता है? है काम तो लेता है प्रजापिता से, आज से लेकर अंत तक। लेकिन जो भगवान बाप है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो दिलवाले को पसंद करता है या बुद्धिमानों को पसंद करता है? कौन है दिलवाला? ब्रह्मा। और दिलवाला भावना वाला? तो सुप्रीम सोल बाप, उसको भी कौन सी आत्मा विशेष प्यारी है? है जो बुद्धि का अहंकार वाला है वो प्यारा नहीं है उतना, लेकिन हाँ जो विश्वरूपी रंगमंच पर हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, कृष्ण वाली सोल प्यारी है। और बाप का वर्षा क्या है? जो सुप्रीम सोल बाप है उसका वर्षा क्या है? वर्षा सिर्फ एक जन्म का है कि जन्म जन्मांतर का है?
विश्व की बात सही, एक जन्म की है कि जन्म जन्मांतर की है? तो सुप्रीम सोल बाप का वर्षा जो जन्म जन्मांतर का वर्षा है वो क्या है? बाप आता ही है सुख का वर्षा देने के लिए। काहे का वर्षा देता है? सुख का वर्षा देता है। और वो सुख का वर्षा राम वाली आत्मा को विशेष रूप में मिलता है या कृष्ण वाली आत्मा को मिलता है? कृष्ण वाली आत्मा को मिलता है। लौकिक दुनिया में कहते हैं अम्मा बाप, बाप अम्मा कहते हैं। अम्मा बाप किसके लिए कहते हैं? लेकिन लौकिक दुनिया में अम्मा का नाम पहले, बाप का नाम बाद में। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप। माना माँ को आगे रख दिया और बाप पीछे है। गीता को भी माई बाप कहा गया है? गीता को भी माई बाप कहा गया। गीता को ना माई बाप, हाँ उसमें भी बाप को बाद में, माई पहले है। जो है वो अभी मनमुक्ति से कहाँ पर जिंदा है? वहाँ पर जिंदा है। हाँ। जिंदा शरीर से होता है कि बिना शरीर के जिंदा होता है? है? शरीर के साथ जिंदा कहा जाता है। जिंदा उन्हें थोड़ी कहेंगे, वो तो सूक्ष्म शरीर में है। अथवा जब राम वाली आत्मा में या रुद्रमाला के जो बीज रूप मड़के बच्चे हैं, जो नई सृष्टि के जन्मदाता बाप बीज हैं, उनमें जब प्रवेश करती है तो उनके संग का रंग माँ को लग जाता है। वो संग के रंग से प्रभावित होकर वो भी बीज रूप आत्मा बन जाते हैं। वो बीज रूप आत्मा वो शरीर में पार्ट बजाती है तो भी शरीरदारी को पता नहीं लगता है। कब आई? कब चली? बाकी जैसे वहां इंटरफियर करके काम करता था कौन? ब्रह्मा की टोली। वैसे यहां भी इंटरफियर करके काम करती जरूर है। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ना, बहुत सबकी सुख भोगती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबकी सुख भोगती है। फिर ड्रामा में उनके 50 साल के कम हो गए, उनको सुख सुख भी दान करना पड़ा। 50 साल अगर कम भी हो जाते हैं तो भी आत्मा तो रहती है कि नहीं रहती है? शरीर सुख भोगता है या आत्मा सुख भोगती है? आत्मा ही तो सुख भोगती है। और आत्मा उन 50 वर्षों के अंदर, जिन 50 वर्षों में उसे सुख शरीर नहीं मिलता है, दूसरे के शरीर के द्वारा कार्य करती है, उन 50 वर्षों के अंदर भी वो आत्मा मनसा के आधार पर सुख भोगती है या नहीं भोगती है? भोगती पढ़ाता भी नहीं, पढ़ाता भी नहीं। हाँ जी। तो जो प्रत्यक्षता होगी
तो सब बाप को पहचान रहे हैं, फिर वो भागेंगे बाप से मिलने। हाँ तो क्या बात नहीं है बाबू? बाप जिनको पहले मिलेगा वो पहचानने वाले की लिस्ट में होंगे, अंदर और बाहर से सन्मुख रहने वालों की लिस्ट में होंगे, या अंदर बाहर से विपरीत बुद्धि होने वालों की लिस्ट में होंगे? प्रीति बुद्धि होंगे। जो प्रीति बुद्धि बच्चे होंगे वही बाप का कारोबार संभालेंगे कि दूसरे संभालेंगे? जो प्रीति बुद्धि होंगे वही कारोबार संभालने के निमित्त बनते हैं। जो कारोबार संभालते हैं, दुकान संभालते हैं, उन्हीं को दुकान का वर्षा पहले मिले। उनके बाद अगर बच्चा खुचा होगा तो दूसरा मिले। एक नियम बनाया जो भक्ति मार्ग में भी नियम चलता रहा, गुरु सदगुरु निंदक और न पावे। वो भक्ति मार्ग वाले गुरु तो ऐसे ही बोलते रहे, ठावर न पावे। उनके पास कौन सा ठावर है? अपना ही घर बार छोड़ के भागते हैं जंगलों में। अगर जंगलों में नहीं भागते हैं, जंगल छोड़ करके शहर में घुस पड़े तो ज्यादा मठबंध बना लेंगे। तो अगर किसी चेले को वर्षा देंगे तो मठपंथ का वर्षा दे देंगे। वो मठपंथ का जो वर्षा है वो भी सब चेलों को मिलता है या एक को ही मिलता है? एक को ही मिलता है। तो उन गुरुओं के पास तो वास्तव में कोई ठौर है ही नहीं, ठिकाना है ही नहीं। ये तो सदगुरु है जिसके पास मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल में ठिकाना है। ऐसे नहीं परम नाम में आत्माओं को भेज देगा वही ठिकाना है। वो तो वास्तव में कोई स्कूल जगह है ही नहीं, उसको ठिकाना कहेंगे भी नहीं। हाँ संगम में जरूर प्रैक्टिकल में ऐसा धाम तैयार होता है जहाँ तुम बच्चे प्रैक्टिकल में परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे। वहां परम धाम में जो भी आत्माएं होंगी संगठित रूप में को साफ करने वाली शांति का अनुभव करें। दुनिया में बड़े से बड़े एटम बम फटते रहे, भारी से भारी विनाश होता रहे, माउंट आबू के नजदीक ही विनाश होता रहे, बड़ा तय कौन सा है? माउंट आबू के नजदीक बड़ा पैर कौन सा है? अहमदाबाद। जब दुनिया के शहरों का विनाश होगा तो अहमदाबाद का होगा कि नहीं होगा? जहां से विश्व का कंट्रोलिंग का काम चलेगा वो भी धराशायी खराब होगा। वो भले खराब हो जाए तो भी जो परमनाम वाली आत्माएं हैं वो शांति के अनुभव में रहेंगी या अशांत हो जाएंगी? वो भी शांति के अनुभव में रहेंगे। एनएस एनएस जिसको कहते हैं वो तो नया संगठन है, ब्राह्मणों का नया संगठन जो नई दुनिया का फाउंडेशन है। कोई मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर गुप्त में डाला जाता है या बाहर प्रत्यक्ष डाला जाता है? गुप्त में डालते हैं। वैसे भी देखेंगे आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं तो बिल्डिंग बनाते समय फाउंडेशन डालते समय चारों तरफ उसको पर्दे से घेर देते हैं। वो भी इसी समय की यादगार अपनाए गए। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, लेकिन नई दुनिया नहीं है। तो नई दुनिया नहीं कहेंगे,
जो फाउंडेशन पड़ता है वो ज्यादा मजबूत पत्थर होते हैं से कमजोर होते हैं, है? ज्यादा मजबूत आत्माएं होनी चाहिए। अगर कच्ची आत्माएं होंगी, कच्चे पत्थर होंगे तो जरूर जब पड़ता है उनके ऊपर फाइनल परीक्षाएं होती हैं माया की, तो टूट के छिटक करके बाहर चले जाते, डटे नहीं रहते। क्या बिखर जाते, जाते हैं क्या? फाउंडेशन डालने वाले नहीं बनते उन्हें मित्र। अगर जितने भी नीलू में पत्थर डाले जाएंगे वो सारे के सारे बिखर जाएंगे तो फाउंडेशन कच्चा होगा या पक्का होगा? कच्चे रहेंगे। इतनी ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं, उनका फाउंडेशन तो और ही लोहे के सिकंजे बनाए जाते हैं, पत्थर तो दूर, क्या है? बताओ। अच्छा, मोदी ने बोला क्या ना शाहजादे और साहेबजादे, इसमें क्या अंतर है? अभी तुम बच्चे शाह हो, शाह शाह किसको कहा जाता है? राजा को शाह कहा जाता है, शाहजहां। और साहब तो एक ही है साहब, हम ब्राह्मणों की दुनिया में एक साहब है, बाकी हम उसके जादे और जादियां हैं। जा माने जन्म लेने वाले, साहब ने हमको जन्म दिया है, इसकी चोले के रूप में है तो साहब जादियां हैं, उस चोले के रूप में है तो साहब जादे हैं। अगर उस साहब के अनुकूल चलते हैं तो साहब जादे साहब जादी है, साहब के आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार है तो क्या है? साहब जादे और साहब जादी है। ऐसे साहब जादे और साहब जादियां आने वाली नई दुनिया के संगठन में क्या बनेंगे? शाहजादे और शाहजादियां बनेंगे। बाकी जो अनुकूल न चलने वाले हैं, सामने भी विरोध करते हैं और पीछे से भी विरोध करते हैं, समझे नहीं? पीछे से विरोध करते हैं, झूठी झूठी बातें सुना करके दूसरों का दिल खट्टा कर देते हैं, शांत मारते हैं। ऐसे जो जादे और जादियां हैं वो अवज्ञाकारी होंगी होंगे आज्ञाकारी होंगे होंगी वफादार होंगे होंगी बेवफा होंगे या होंगी क्या होंगे? तो आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार की लिस्ट में नहीं कहेंगे, अवज्ञाकारी हुए, बेवफा हुए, ईमानदार की जगह बेईमान हुए, लिखकर कुछ और देते हैं अब करते करते कुछ और है, तो उनको मुरली में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहा कि नहीं याद रहा? हराम जादे और हराम जादे। एक बार नहीं बोला है, तीनों बार बोल दिया।
वो भी कोई एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं।